हेल्प एज इंडिया ने। उन्होंने एक फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट का सेंटर हमें भेंट किया, जो उन्होंने लगभग एक साल चला के हमें दिया, और हमने अब अपनी आसपास की सोसाइटी के लिए, सबके लिए हम उसको रन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। पर पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, बीच में एक साल छोड़ दिया था। अभी मैंने अपना स्पाइन का ऑपरेशन करवाया है और इसके रेगुलरली मैं अपनी फिजियोथेरेपी यहाँ कराता हूँ। स्टिमुलेशन का है और कई इक्विपमेंट हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हैं, और यहाँ के डॉक्टर जो है डेडिकेटेड डॉक्टर हैं, और ये जो है किसी भी अच्छे हॉस्पिटल की फिजियोथेरेपी के कंपेरेबल में काम कर रही है। करीब 4 साल पहले ये फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया गया था और हेल्पेज इंडिया ने हमें सभी उपकरण दिए। उसके बाद करीब 1 साल तक उन्होंने डॉक्टर की सैलरी भी दी और उन्होंने ही मैनेज किया। उसके बाद हम लोग जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इसे मेंटेन करने में। करीब 3,200 पेशेंट्स पिछले साल यहाँ पर आए हैं और उन्होंने लाभ उठाया है। साथ में हमने एक होम्योपैथी सेंटर भी ऐड कर दिया, जिसमें केवल 10 रुपए लेकर हम एक हफ्ते की दवा दे देते हैं और आसपास के छोटे मोटे सब तरह की बीमारियों का इलाज उसमें हम कर पा रहे हैं। और इस तरह से हम खुद तो एक्टिव एजिंग में बिलीव ही कर रहे हैं, लेकिन अपने आसपास की सराउंडिंग का, अपने लोगों का भी पूरे भले का ध्यान रख रहे हैं। इनके पास एक बहुत ही अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर है, जो कि न केवल रोजमर्रा की समस्याओं को देखता है, बल्कि जो क्रॉनिक लंबी अरसे से चली आ रही बीमारियों का इलाज भी बहुत ही तसल्ली बख्श ढंग से किया जाता है। होम्योपैथी का हमने जो स्टार्ट किया है, ये हमारा पर्पज यह है, केवल मेंबर्स के लिए नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए इसे हमने स्टार्ट किया है, जो अधिक से अधिक लोग इसे लाभ उठा रहे हैं। सोसाइटी के मेंबर तो आते ही हैं, लेकिन बाहर के मेंबर भी, बच्चे भी इसे पूरा लाभ उठाते हैं। इस कार्यक्रम में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो भी अपनी पसंद का कार्यक्रम चुनकर चुस्त बनो और दुरुस्त रहो का मंत्र अपना रही हैं। हम लेडीज यहाँ हर थर्सडे को सेंटर में आकर तंबोला भी खेलते हैं, रेसिपी डिस्कस करते हैं और एंजॉय करते हैं। पिछले 2.5 साल से सुबह 1 घंटा योगा का क्लास चलाते हैं, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हेल्थ हाइजीन किचन गार्डन कुकरी क्लासेस ये सब चलाते हैं, और शाम को 130 बच्चे, गरीब बच्चे आते हैं, उन्हें वरिष्ठ महिला सब पढ़ाते हैं। मैं इस संस्था से पूरे 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ मैं बच्चों को क्राफ्ट सिखाती हूँ। मैंने यहाँ बच्चों को 3 तरह के क्राफ्ट सिखाए हैं, POP क्राफ्ट्स, पेपर क्राफ्ट्स और ब्रेड क्राफ्ट्स। इन बच्चों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग शाम को तो रोज मिलते ही हैं, जिसमें हम गेम्स खेलते हैं, और इसके अलावा महीने के आखिरी में हम आपस में मिलकर के किसी ना किसी का, जिसका भी उस महीने में बर्थडे होता है, मनाते हैं। ये सीनियर नागरिक दिल खोलकर आर्थिक मदद देने में भी पीछे नहीं रहते। हाल ही में उत्तराखंड में आई आपदा के बाद इन्होंने हेल्पेज इंडिया उत्तराखंड रिलीफ फंड में 71,000 रुपए का योगदान दिया। हेल्पेज इंडिया सीनियर नागरिकों की और संस्थाओं को भी प्रेरित करता है कि वो इसी प्रकार से एडवांटेज सेंटर बनवाएं और ऐसे कार्यक्रम चलाएं। हेल्पेज इंडिया के एडवांटेज प्रोग्राम के तहत चुस्त बनो और दुरुस्त रहो, यही खुशहाल जिंदगी की राह है।
A lonely life often follows a senior citizen after retirement. But should it? Retirement from work should not mean retirement from life. Say no to a life of isolation. Step out, meet friends, and celebrate life. Get yourself the Helpish Advantage card. Get daily rewards of attractive discounts. Enjoy with friends, family, anywhere in India. If you are 50 years or more, the Advantage card brings you a world of benefits. Over 4,000 retail associates in 350 cities across India are waiting to serve you. Use the discount to buy the books you have always wanted to read. The trip you always wanted to take is now so much more affordable.